हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं आपको एक बड़े ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो है कपीवा एग्ने ईज जूस। तो नाम से ही क्लियर है कि आपके एग्ने को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। ये जो पुराने पिंपल्स हैं, एक्ने हैं स्किन पे, उनको रिपेयर करेगा। साथ ही साथ जो नए ब्रेकआउट्स होते रहते हैं उन पर भी ये बड़े अच्छे से काम करता है। तो कपीवा का ये जो एक्ने ईज जूस है, ये एक टाइप का आयुर्वेदिक टोनिक है। इसमें सारे हर्ब्स यूज़ किए गए हैं और जो कि क्लेम करता है कि आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्किन पर लंबे टाइम से पिंपल हैं, तो उनकी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है। तो स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एक्ने कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आप भी जाना चाहते हो और अगर आप भी एक्ने की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस ड्रिंक की पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग की बात करूँ तो जैसे सारे ड्रिंक्स आते हैं वैसे ही इसकी पैकेजिंग है। ऐसे ही प्लास्टिक बॉटल में ये आता है और मैं इसके बहुत सारे ड्रिंक्स यूज़ कर चुकी हूँ। एलोवेरा हुआ, एप्पल साइडर विनेगर इसका बहुत पसंद है मुझे, और इसके और भी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, एलोवेरा जेल वगैरह, मैं सब इनका रिव्यू कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चेक ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो ड्रिंक है, इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 500 अराउंड में आपको मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसमें यूज़ किया गया है एलोवेरा, नीम, टर्मरिक और मंजिष्ठा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और जब आप इन सारी चीज़ों को एक साथ किसी ड्रिंक के रूप में लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्किन को कैसे रिपेयर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा, इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। इसको यूज़ करने के बाद जो पुराने एक्ने हैं वो भी ठीक होंगे और नए एक्ने आने से ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए गए हैं ये भी सब बताया गया है, तो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, आप चेक ज़रूर कर लेना। और इसमें प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव यूज़ किए गए हैं और जो कि 0.09 ग्राम यूज़ किए गए हैं। तो आप बात करते हैं इसको लेना कैसे है। इसमें मेंशन है कि आपको 30 ml लेना है और खाना खाने के बाद लेना है, इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। भूल से भी इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो। तो खाना खाने के बाद आप इसको लीजिए 15 ml 15 ml। अगर आप दो टाइम लेते हो तो 15 ml 15 ml लेना है, मतलब पूरे दिन में आपको 30 ml लेना है ल्यूक वॉर्म वाटर के साथ। और मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक बार ही लो, जब आपकी बॉडी को ये सूट करने लगे फिर आप इसका टाइम बढ़ा सकते हो, मतलब आप दो टाइम ले सकते हो, पर स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार ही ले लो। और टेस्ट की बात करूँ तो ये सारे ड्रिंक्स का टेस्ट अच्छा नहीं होता है और इसका जो टेस्ट है वो कच्ची हल्दी का काफ़ी टेस्ट आता है, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टर्मरिक सूट नहीं करता है, कच्ची हल्दी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपको कच्ची हल्दी से या नीम लेने से प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप इसको ना लें। अगर आप पहले से एलोवेरा जूस ले रहे हो, एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो, तो फिर ये ड्रिंक आप ट्राई ना करो। और जब आप ये अपने बॉटल्स कंप्लीट कर लो फिर आप ये ड्रिंक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो ड्रिंक है इसमें भी ये जो सारी चीज़ें हैं वही काम करती हैं जो एक एप्पल साइडर विनेगर करेगा, काफ़ी हद तक वैसे ही काम करती हैं। तो आप इसको साथ में नहीं लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपकी बॉडी में चली जाएंगी और हो सकता है आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँ। और इसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो आपको 15-20 दिन में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, नए पिंपल्स आने थोड़े से कम हो जाएंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और जो पुराने पिंपल्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपकी स्किन पहले से बेहतर नज़र आने लगेगी 15-20 दिनों में। पर अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको कम से कम एक बॉटल तो आप इसका फिनिश कर लो, तब आपको इसके काफ़ी हद तक रिजल्ट्स मिल पाए। मेंशन है कि अगर आप
एक्ने ट्रीटमेंट ले लेके परेशान हो चुके हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल एक बार इसको ट्राई ज़रूर करो। तो सच में एक बार इसको ट्राई करके देखो, फिर आपको अलग से कोई मेडिसिन वगैरह एक्ने के लिए ये सारी चीज़ें लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बात और कहूँगी, जब आप ये ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, चाहे ये ड्रिंक हो या एप्पल साइडर विनेगर, एलोवेरा जूस, जो भी चीज़ें हैं जो आपके एक्ने कंट्रोल के लिए आप ले रहे हो, तो उनको लेने से पहले आपको अपना जंक कम करना पड़ेगा। कभी कभी चल जाता है, पर एवरीडे अगर आप जंक फूड लेते हो तो उसको कम करो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कीजिए, तब ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती। आप इस ड्रिंक को ले रहे हो पर आपको अपना स्किन केयर फॉलो करना ही है। आप जो भी मेडिसिन वगैरह, जो भी क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, वो आपको लगाना ही है, वो लगाना बंद नहीं करना है। तो स्किन केयर अच्छे से फॉलो करना ही है। साथ साथ आप ये ड्रिंक लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एक्ने कंट्रोल करने में। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।